ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे जानी बाबा, तुम समझता क्यों नहीं है, उम्र निकलती जा रही है बाबा तुम्हारी। बाबा तुम पे शादी करना ऐसे लाजिम है जैसे कौमी तराने पे खड़े होना लाजिम है। अरे बच्चू भाई, आप तो ऐसे जल्दी कर रहे हैं जैसे कोई खूबसूरत सी लड़की आपने देख रखी हो। हाँ बाबा देख रखी है, बहुत प्यारी है, लेकिन एक मसला है। मसला? क्या मसला? अरे बाबा उसके दोनों पैर नहीं है। क्या दोनों पैर नहीं है? चलो अच्छा है, घर से भागेगी नहीं। बाबा एक मसला और है। वो क्या? उसके दोनों हाथ भी नहीं है। दोनों हाथ भी नहीं है? चलो अच्छा, मुझ पे हाथ नहीं उठाएगी। बाबा एक छोटा सा मसला और है, मुंह में जबान नहीं है और दोनों कान भी नहीं है। बच्चू भाई सीधा सीधा कहने, फ्रिज में एक पाव गोश्त रखा हुआ है। अरे बाबा मैं मजाक कर रहा था जानी, परेशान ना हो। क्या बातें चल रही हैं भाई? अरे सीमा इसको समझाओ बाबा, शादी करना कितना जरूरी है। तुम्हें इसकी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? क्यों बाबा, सिर्फ मेरे नसीब में जलीलो ना लिखा है, मैं चाहता हूँ जानी भी जलीलो थोड़ा। अच्छा तो ये बताओ कि कोई लड़की है नजर में? हाँ बाबा नजर में तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। नजर जरा कम रखे, कहीं आंखों में मोती ही ना उतरे। अरे सीमा बाबा तुम इसे समझाओ, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। बच्चों कह तो सही रहा था, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अब। किससे? वैसे जरीना बुरी नहीं है, सामने की बच्ची है, और फिर तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखेगी, तुमसे प्यार भी इतना करती है। है तो ठीक रही, वैसी मेरे पीछे पड़ी हुई है बहुत। चले आप कह रही है तो मैं बात कर लूंगा, मुझे लगता है हाँ कर ही देगी। तो फिर बात करो ना उससे। अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, आप एक काम करें तैयारी पकड़े। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अच्छा, अब बस मैं इंतजार ही कर रही थी कि आपका फोन आ गया। हेलो जरीना। एक मिनट देख नहीं रही हूँ मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ। हेलो जी 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 जी, वो कुछ नहीं, वो मांगने वाला आ गया था। अच्छा 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 ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं अपने इन खूबसूरत हाथों से आपके लिए खाना पकाऊंगी। जी जी मीठे में शीर कौरमा। ठीक है ठीक है, बना लूंगी बना लूंगी, जरूर आएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। खुदा पेस। किससे बातें कर रही हो? मैं किसी से भी बात कर रही थी, किसी से बात करने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ना एक तुमसे बात करनी है। उधार नहीं दूंगी मैं। नहीं उधार थोड़ी चाहिए। अच्छा भला फिर क्या बात है बोलो। वो असल बात ये, मुझे ना तुमसे शादी करनी। इसी के लिए तुमको एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? अरे बाबा मेरे बिल्ली ने बच्चे नहीं दिए। मुझे इंसान से शादी करनी है, बिल्ली के बच्चों से थोड़ी। भला तुम्हारा इंसानों में क्या काम? सरीना क्या हो गया, मैं तुम्हें इंसान नहीं लग रहा? पापा पता नहीं, चलो भला मतलब की बात करो। मैं मुझे तुमसे शादी करनी है बस। अरे नहीं पापा, अब तो मैं अपना दिल किसी और को दे चुकी हूँ। भाई तुम दिल दो, फेफड़े दो, गुर्दे दो, लेकिन खाल मुझे देनी। हाँ जाने क्या तुमने मुझे कुर्बानी की गाय समझा हुआ है, और वैसे भी ना तुम्हारी शादी की जो उम्र है ना वो अब खत्म हो गई है, तुम्हारे जमाने के इंजन भी ना अब खत्म हो गए। क्या हो गया जरीना, किस किस्म की बातें कर रही हो? ए अल्लाह अल्लाह बस अभी दफा हो जाओ, मेरे दिमाग नहीं खाओ, हर वक्त तुम्हारी मर्जी थी, हर चीज नहीं चलेगी, अपनी शक्ल देखो गाय की तरह हो गई है बिल्कुल। जरीना जरीना, अरे जरीना मेरी बात तो सुनो जरीना। अरे जरीना ये तूने क्या कर दिया जानी, तेरी तो उम्र ही निकल गई, क्या हालत बना ली तूने अपनी, है बालों में सफेदी, मुंह पे सिलवटे और पलके भी सफेद। शर्म कर शर्म कर, बातों बातों में तुझे पता ही नहीं चला मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन तू तू तो उस घोड़े से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया। चल निकल जा से परे हट। क्या हो गया मेरे साथ? अरे बाबा जानी पागल हो गया क्या, खुद से बातें किए जा रहा है। अच्छा हुआ बच्चू भाई आप आ गए, फटाफट ना किसी रिश्ते वाली आंटी का बंदोबस्त करें। हैं?
अरे बाबा लेकिन क्यों? बस मुझे जोर की शादी आ रही है। अरे बाबा वो रिश्ते वाली आंटी तो पैसे लेंगी। हाँ हाँ तो मैं कौन सा मुफ्त में करवा रहा हूँ, पैसे देंगे? बस मैंने तय कर लिया मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन बाबा इतने गुस्से में क्यों, आखिर हुआ क्या है? गुस्सा तो आएगा ना, आते जाते लोग कह रहे हैं उम्र निकल रही है तुम्हारी, उम्र निकल रही है तुम्हारी, उम्र हो गए नलका हो गया पानी का। हाँ बाबा कहते तो ठीक है लेकिन कहा किसने है? आप ही कह रहे, और एक आपकी बहन ने कहा। मेरी बहन ने कहा ना बाबा, आदि को तुमने कुछ आगे से पहले कुछ जरूर कहा होगा। मैंने तो उसको शादी का कहा था। अरे बाबा शर्म करो, अपनी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो बेचारी की। देखा फिर आपने वही बात कर दी ना उम्र की, मैं नहीं बात करता। अरे बाबा इसको क्या हो गया, ये तो बहुत गुस्से में, पागल हो गया शादी के बगैर। अस्सलामुअलैकुम। हाँ। क्या हो गया भाई, सब खैरियत? इतनी इमरजेंसी में बुलाया? शौकत भाई आपने मेरा एक काम करना है। अरे क्या, 10 काम करूंगा लेकिन भाई ये भाई मत बोला करो भाई। क्यों, मैं तो भाई बोलूंगी। तो फिर पूरा बोला करो दूल्हा भाई। दूल्हा भाई? दूल्हा भाई भी तो नहीं बोल सकती ना। क्यों भाई, मेरी कोई बहन ही नहीं है। कोई चाचा की लड़की, पुप्पो, कोई कजन वजन, कोई भी? शौकत भाई छोड़े ये सब बातें, अब बस मेरा काम करें आप। वो कर चुका काम लेकिन देखो ये भाई पर बोला करो भाई। अरे बाबा अशोकत भाई आप आ गए। हाँ ना, सीमा बहन ने बुलाया ना। बहन, अभी तो आप कहते मुझे भाई पर बुलाओ। तो तुम मत बोला करो ना, मैं मौका देखते खुद ही बोल दिया करूंगा। बोलो। अरे शौकत भाई आपसे एक बहुत जरूरी काम है, वो जानी की शादी करानी है। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं डेकोरेशन वाला हूँ। अरे नहीं, कोई अच्छी रिश्ते वाली बताएं, जानी का रिश्ता कराना है। अरे ऐसी जबरदस्त जबरदस्त रिश्ता कराएगी लेकिन पैसे लगेंगे। अरे बाबा पैसे हम दे देंगे, उसकी फिक्र मत करो, आप उसको भेज दो। चलो फिर ठीक है, एडवांस कर दे आप। क्यों, पैसे तो मुनी को देंगे ना। अरे भाई 500 रुपए तो दो, बैलेंस डलवा के कॉल करोगे ना उनको। अरे बाबा 2 रुपए की कॉल होती है, 500 का बैलेंस डलवाओगे? अरे भाई 450 की बैटरी डलवाऊंगा, 50 बचेंगे उसका बैलेंस डलवाऊंगा, समझाओ ना इनको। बच्चू दे दे 500 रुपए, वैसे भी जाने की उम्र निकलती जा रही है। अरे बाबा 500 रुपए देने से कौन सा उसकी उम्र रुक जाएगी। देना बच्चू। अच्छा देता हूँ बाबा। ये ला बाबा, ये ला। ठीक है बस काम जल्दी कर देना। हाँ हाँ बेहतरीन। बाबा बैटरी अच्छी वाली डलवाना ताकि चलती रहे, फिर मत मांगना पैसे। असल में फेसबुक पे मैंने आपकी तस्वीरें देखी और यकीन जाने मुझे यकीन हो गया कि आपको बड़ी स्टार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अरे बाबा मैं फेसबुक नहीं चलाती। कोई बात नहीं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा। अपना सरीना फिर क्या सोचा? किस बात के बारे में? अरे हमारी शादी के बारे में, और किस बारे में? अरे मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक बड़ी स्टार बनने वाली हूँ। स्टार? वो कैसे, और ये मोटा कौन है? जॉनी, अब ये डायरेक्टर है, यही तो मेरे को स्टार बनाने के लिए आया है। जी जी बिल्कुल। स्टार बनाते हो लेकिन शक्ल से तो लग रहा है आप पकौड़े बनाते हो। ये क्या बदतमीजी है, कौन है जरीना ये? ये हमारा नाकर 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 जानी। वाह क्या कहानी है, नौकर और मालकिन की, हिट है भाई हिट। क्या क्या मतलब? मतलब नौकर को मालकिन से इश्क हो जाता है और मालकिन नौकर को घास नहीं डालती। सही कह रहे हैं आप, सारी तो खुद खा जाती है। ये किसने कहा? हाँ मैंने कहा। वैसे बात ये कि पहले मेरे पीछे घूमती रहती थी, शादी कर लो शादी कर लो, अब मैं राजी हो गया हूँ तो नखरे दिखा रही है। क्योंकि मालकिन को हीरो से प्यार हो गया। हीरो कौन है? अरे मैं जरीना, और कौन? और फिर अचानक विलन की होती है एंट्री, और फिर वो उठता है और फिर वो हीरो को पकड़ के नीचे लिटा के वो मारता है। सोचा वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे ऐसे सकता, बिल्लो वाली कसरत है इसकी तो। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। एक से बढ़कर एक रिश्ता कराया है मैंने, आदि किराची की शादी मैंने ही तो कराई है। अच्छा आपकी अपनी शादी हो गई? नहीं मैं तो अभी कुंवारी हूँ। आपका लड़का क्या करता है? ये पूछे वो क्या नहीं करता, कौन सा ऐसा काम है जो वो ना कर सकता हो,
खाना पकाने से लेके घर की सफाई तक सब कर लेता है। ये बताए बावर्ची है कि भंगी? अरे मैं बुलाती हूँ ना, खुद ही मिलने एक बार। जानी जानी। आया 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 मैडम आया। ये लीजिए ये लीजिए जरा। ये इससे मिले, ये है जानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। लड़का तो बहुत बाअदब है लेकिन उम्र में बहुत बड़ा है। रात को सोया नहीं था ना। बाय द वे ये कौन है? जानी ये रिश्ता कराने वाली खाला है, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है। हाँ रिश्ता भी लाई हूँ और दुल्हन भी लेकर आई हूँ। अरे तो ये घूंघट में क्यों बैठी हुई है? जरा इनसे कहे ना, जरा चेहरा तो दिखाओ। जमा लो, घूंघट तो उठा लो। हेलो, ये क्या? ये जमालो है। इनसे कहो कि अपनी आंखें तो संभालो। खाला मुझे तोतो क्यों दिख रहे? पर ये तो एक ही है। बताओ, एक है तो दो दिख रहे हैं, दो होते तो चार दिखते हैं ना जमालो। मैं चाहती हूँ कि लड़का और लड़की आपस में बातें कर लें ताकि एक दूसरे को समझ सकें। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों जानी। असल में मुझे एक ना बहुत जरूरी काम याद आ गया। आप लोग 5 मिनट बैठे, मैं 4 घंटे में आता हूँ। जानी जानी तुम क्यों बैठी हो? जाओ ना, जाओ जाके बातें करो। बच्चू भाई। अरे बाबा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? बच्चू भाई ये सिला दिया आपने मेरी मेहनत का, मोहब्बत का। क्यों बाबा क्या हुआ है? बच्चू भाई ये किस किस्म के रिश्ते आ रहे, कौन है ये लड़की? अरे बाबा कोशिश करो, दिल मिलाओ, मिलाओ दिल। दिल क्या खाक मिलाओ, उसकी आंखें नहीं मिल रही, दिल क्या खाक मिलेगा? बाबा क्यों, क्या मैं समझा नहीं? अरे क्या हो गया आपको? अरे बच्चू भाई अरे क्या हो गया, मेरी बात तो सुने। अच्छा बोलो। मेरी तरफ देखे तो सही एक बार। नहीं मैं देखता हूँ तो मेरी हंसी निकल जाती है। अंकल आप ही समझाए ने। अरे बाबा अंकल तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे बाबा किसको बोल रहा हूँ, तुम्हें तो मैं नजर ही नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ शादी के लिए आई हूँ। अच्छा आप हैं वो जिनको नजर आते हैं दो? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई सदर यहाँ से बहुत दूर है। मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगी, कभी आंख उठा के भी नहीं देखूंगी। ये तो खैर अच्छी बात है। वैसे बाबा लड़की तो ठीक है, बस थोड़ा सा फॉल्ट है। थोड़ी सी सही है, बाकी सारा फॉल्ट है। इसका मतलब है तुम इससे शादी नहीं करना चाहते? 100%। अच्छा तो फिर इसको भगा दे। अच्छा आप बिल्कुल जो है ना वो गलत घर में आ गई हैं। ये आप चारों क्या बातें कर रहे हैं? लो कर लो बात चारों। असल में बाबा आप गलत घर में आ गई हैं। क्यों? अरे बाबा मैं डाकू, ये कातिल है, आपसे पहले 20,000 लड़कियों का कत्ल कर चुका है। क्या? हाँ बाबा अगर आपने अपनी जान बचानी है ना तो भागो। उफ अल्लाह ये मैं कहाँ फंस गई, बचाओ बचाओ। जाओ बचाएगा, भाग गई। बच्चू भाई ठीक है बाबा ठीक। बच्चू भाई आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मत भूलना बाबा, हाथ चूम लो। नहीं चलो छोड़ो। मलकायल से बात हो गया? हाँ। ये जमालो वापस क्यों नहीं आई? लगता है कि वो जाने के साथ बैठे के ना अपने मुस्तकबिल की बातें कर रही होगी। हाँ और मुझे लगता है कि अब तक तो उसने जाने को मना भी लिया होगा। लेकिन वापस तो आना चाहिए ना। अरे बाबा अब वो आएगी भी नहीं। क्यों? अब वो इसलिए खाला के उसको छोड़ो ना खाला, कोई सही रिश्ता दिखाओ, वो तो भेंगी निकली है। तो भेंगे इंसान नहीं होते? खाला होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई भेंगा लड़का ही देखो। हाँ ना बाबा, भेंगे से भेंगी की शादी होगी तो बच्चे भी भेंगे होंगे। हाँ और फिर लोग बोलेंगे वो देखो भेंगी फैमिली जा रही है। खाला आप कोई और रिश्ता दिखाओ ना, कोई और लड़की दिखाओ। लेकिन उसे वापस तो आना चाहिए, कहाँ गई? खाला वो भाग गई। भाग गई? चलो दफा करो उसे, मैं तुम्हें ना दूसरी लड़की दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्यारी है। मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। और तुम्हें किसने कहा कि तुम प्यारी हो? आईने ने वो रोज मुझसे कहता कि जरीना तुम्हें कितनी प्यारी हो। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। गलत गलत, मैं तो सोती ही नहीं हूँ। अरे बाबा तुम दोनों फिर शुरू हो गए हो। छोड़ो खाला आप दिखाओ ना लड़की दिखाओ। हाँ हाँ ये तो कोई मसला ही नहीं है, अभी बुलाती हूँ। हेलो जी भाई, क्या बात है? यार जानी भाई बहुत अफसोस की बात है भाई। क्यों, तुम्हारी मुर्गी ने हमारे घर में अंडे दिए क्या? यार बहुत ही दुख की बात है भाई। अब क्यों, बचपन में तुम्हारा क्या बाईपास हो गया था? यार शर्म आ रही है मुझको। अरे मैं क्या चारपाई लगा के ना रहा हूँ? दिल टूट गया मेरा दिल। बहन की शादी पे बोतल नहीं मिली क्या? यार क्या सोचा था, क्या हो गया यार जानी भाई? क्यों, डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए पित्त निकाल लिया क्या? यार क्या यही मेरी किस्मत थी यार?
क्यों भागते हुए क्या चप्पल टूट गई थी? अब कभी ऐसा हुआ तो जानी भाई क्या करेंगे फिर? दो रोटी ज्यादा खा लो यार, बर्दाश्त से बाहर हो गई मेरे बात, अब मरम लगा ले आराम आ जाएगा। जानी भाई बात बहुत बढ़ जाएगी। बात है क्या यार? मेरे घर केबिल नहीं आ रही जानी भाई, क्या करूं मैं? अबे तो केबिल वाले से पता कर मेरे पास क्यों आया है, काम का टाइम जाया कर रहा है। चल चल निकल। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। इनसे मिले, ये है हैरी। कितनी खूबसूरत है, समझदार और पढ़ी लिखी भी है। हाँ खाला, वैसे है तो बहुत प्यारी, बस जानी को पसंद आ जाए। अरे देखते ही पसंद कर लेगा, बुलाए ना अपने लड़के को। हाँ जानी, जानी। जी 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 मैडम, बुलाया आपने। हाँ हाँ इधर आओ बैठो। जानी खाला ने ना इसे तुम्हारी शादी के लिए बुलाया। अच्छा ये? हाँ ये तो सही नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बात पक्की कर दे इससे। इनसे तो पहले पूछ ले कि मैं इनको कैसा लगा। हैं? मैं आपको कैसा लगा? आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है मैं आपको पसंद आया। हैं? अरे सीमा मैडम, ये किसको बुला लिया, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन ये? ये हैरी है। शक्ल से तो बैरी लग रही है मुझे। आपने मुझसे कुछ कहा? जी जी आप ही से कहा, क्या करती हैं आप? है ये पूछ रहे हैं आप क्या करती हैं? ये आप दोनों आप क्यों बोले, और भी तो कुछ बोले। बोल तो रहे, सुनी नहीं रही आप। फिर आप? अरे बैरी हो क्या? है सीमा मैडम, फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे ये क्या हो गया? जाओ जाओ ना। अरे बाबा ये टीवी क्यों नहीं चल रहा है, ये सफेद डब्बा किस चीज के लिए लगाया जानी ने? बच्चे भाई ये क्या मजाक लगा रखा है? अरे बाबा अब तुम क्यों रो रहा है हारे हुए सियासतदान की तरह? ये सारी भेंगी लंगड़ी लूली और अंधी, ये मेरे नसीब में लिखी हुई लड़कियां। क्यों बाबा अब क्या हुआ है? ये कैसा रिश्ता भेजा? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बता तो रहा हूँ। क्यों नाराज हो गए आप? ये लो आ गई, खुद ही बात कर लो। क्या हो गया मोहतरमा? अरे बाबा सब ठीक है? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? फिर आप यहाँ सिर्फ आप क्यों बोल रहे, कुछ और बोलना नहीं आता क्या? हमें तो बोलना आ रहा है, आपके सुनने में कोई मसला है? हैं? बहुत बड़ी बहरी हैं आप। फिर आप किन जाहिलों से पाला पड़ गया? जा रही हूँ मैं, बाय। भाई वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, कसूर भी आपका है। मेरा मतलब मेरा, हमारा हमारा हमारा। हाँ बाबा कसूर 100% तुम्हारा है, इसीलिए तो अब तक शादी नहीं हुई, मतलब हमारी तरह शादी नहीं हो जाती। बच्चू भाई कुछ करो, बच्चू भाई मेरा कुछ करो, मेरा क्या होगा? बैरी अभी तक आई नहीं, लगता है कि बात बन गई। आप आ जाए, ऐसा करो कि तुम मिठाई मंगा लो। गुजिया या गुलाब जामुन? गुजिया, गुजिया सही रहेगी। अरे बाबा ना गुजिया ना गुलाब जामुन। तो फिर चने मंगवा ले। चने? चने तो मरने पे मंगाए जाते हैं ना। हाँ तो मरने ही वाला हूँ ना मैं। वो क्यों? अरे भाई सारे आड़े टेढ़े रिश्ते मेरे नसीब में रह गए क्या? जानी मैं तो तुम्हें हमेशा कहती थी कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन तुम हमेशा मुझे वही कहते थे, वो जो इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर। हाँ अब हुई ना तुमको जरीना की कदर। अच्छा बाबा ये सब छोड़ो, कला कोई अच्छा रिश्ता बताओ, बेचारी की उम्र गुजरी जा रही है, देखो शक्ल देखो। ये तो है। अरे खला कोई साबित रिश्ता भी है आपके पास या सारे फॉल्ट वाले ही हैं? 2000 रुपए दिए तुमने, और 2000 रुपए में क्या मैं शहजादा चार्लिस की बेटी का रिश्ता लेकर आऊंगी? अब बल्ला क्या करें, एक रिश्ता है तो मेरे पास, कोई फॉल्ट भी नहीं है उसमें, चलती भी है फिरती भी है देखती भी है बोलती भी है और कुंवारी भी है। अच्छा और उस रिश्ते के कितने पैसे? फ्री में है। अच्छा बाबा फिर तो बताए ना कौन है बाबा? मैं जहां आ रहा कर लूंगी जानी के साथ गुजारा। हाँ बाबा जानी क्या ख्याल है तुम्हारा? आलू बुखारा किशमिश चुहारा, चल जानी बेटा निकल। कहीं नहीं निकलना जानी। और ये अखबार पढ़ने के लिए होती है, खेलने के लिए नहीं? अरे बाबा मुझे पता है इसमें क्या लिखा है तो मैं क्यों पढ़ूंगा बाबा। अच्छा क्या लिखा है? अरे बाबा इसमें उर्दू लिखी है जो हमारी कौमी जबान है। अरे बाबा मेरा अदा बहुत ज़हीन है, इसीलिए कभी स्कूल ही नहीं गया। आइए आप तो अंदर आइए।
अरे एक मिनट रुक जाओ भाजी, पहले इनसे पूछो तो सही कौन है। ये भी आपके साथ हैं? आप इसे पहले से जानते हैं? इनको कौन नहीं जानता, जो नहीं जानता वो भी जानता है। जी मैं पानी नहीं पीता। पानी नहीं पीता, मुझे लगता तू डीजल पीता है। वैसे ये बता, 1 किलोमीटर में कितनी दूर चलता है? जानी क्या बदतमीजी है ये। ऐसी हमारा मजाक है। सीमा मुझे एक बात बताओ, ये घर तुम्हारे नाम है ना? हाँ, क्यों? तो फिर ये तुम्हारी नन तुम्हारे साथ क्यों रहती है? निकालो इसको घर से बाहर। जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा,